मापे कहिंदे ने साडे खीसे पाट चुके ने, होर ना करो अत्याचार जी। सिक्ख्या विभाग कहिंदा भाई असीं तां मुकम्मल तैयारियां कर लईआं सी, इसे करके पैसे देण तों कर रहे हाँ इनकार जी। विपत्ति नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेशरी, तुसीं शेयर तों दसा ला लैंदे हो वीडियो किस बाबत होण वाली है। दोस्तों अज सारा दिन बड़ी चर्चा रही है कि सिक्ख्या विभाग ने दसवीं अते बारहवीं के बच्चों की जिहड़ी फीस लई होई सी, एग्जाम फीस लई होई सी, वो लैण तों इनकार कर दिता। आखिर फीस किन्नी सी और फीस देण तों इनकार क्यों किया? सो तुहानूं दसण की कोशिश करते हैं, सम टोटल बनता है जी 83,82,200 रुपए। आई रिपीट, 83,82,200 रुपए। फिर सवाल यह किया जाता है पैसे इकट्ठे तक कर ले पर वापस क्यों नहीं हो रहे? तो जवाब मिलता है असी मुकम्मल तैयारियां कर लिया सी, साडा खर्चा हो चुका है, हुण असी पैसे कित्थों वापस करिए। फिर सवाल आता है किस चीज़ से खर्चा किया? जब पेपर पे ही नहीं, जब बच्चे घरों आए ही नहीं, स्कूलों में गए ही नहीं, फिर किस चीज़ से खर्चा किया? जवाब मिलता है टाइपिंग ते, प्रिंटिंग ते ड्यूटियां लग चुकियां सी, साडे वल्लों मुकम्मल तैयारियां हो चुकियां सी, इस करके हुण पैसे किवें देवांगे। मैनूं इस गल तों गल चेते आ गई कि पिछले साल जिहड़े बच्चे ने भाईचारे दे कुछ बच्चे ने, कम्यूनिटी के बच्चे ने, वह सड़कां ते रुलदे फिरदे सी कि साडी स्कॉलरशिप खा ली गई है। उस वेले भी मंत्री साहिबान ने कहा सी प्रूफ करो, मैनूं समझाओ कि मैं किवें स्कॉलरशिप खाधी। सरकार ने इसते चुप्पी वट ली सी, कोई जवाब नहीं मिलिया। असी भी सवाल पूछे, वख वख मीडिया ने भी सवाल पूछे, प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो, पर एक बच्चे ने जवाब दिता सी, वो जवाब सुनन लई जिगरा चाहिए है ते कन चाहिए ने और देखण वाली अख चाहिए है। वो जवाब सी असी सैकड़िया की तादाद विच सिखड़ दुपहरे सड़कां ते बैठे हाँ, ये जवाब है। जे साडे तक स्कॉलरशिप पहुँची होंदी सानू जरूरत नहीं सी इन्हां सिखड़ दुपहरियां विच तिखी धुप्प विच 40-45 डिग्री टैंपरेचर विच सड़कां ते बैठीए। तो ये जवाब सी, ये समझण वाले समझणगे, कई उत्तों ती लंघ जाणा। पर फीस किन्नी सी तुहानूं दस दिंदे आ जी कि दसवीं के विद्यार्थियों नूं 1100 रुपए प्रीख्या फीस चार्ज की गई सी, बारहवीं के विद्यार्थियों नूं 1500। थोड़ी देर पहला कॉल सैशन लै रहे थे तो एक नवांशहर के बच्चे ने यह भी दसिया कि मैं 1600 रुपया दिता है और पर्टिकुलर मेरी क्लास से ही नवें शहर 80,000 रुपया इकट्ठा हो गया सी। हुण सवाल यह है कि 83 करोड़ किवें बनते ने? फिर तुहानूं दस दिंदे आ जी फीस जमा कराउण वाले दसवीं के बच्चे किन्ने ने? यह ने 3,32,757। दसवीं क्लास के किन्ने बच्चे ने 1100 रुपया दिते ने? कैलकुलेट कर लो, 3,32,757। बारहवीं के किन्ने बच्चे ने? 3,09,433। 3,09,433 बच्चों ने 1600 रुपया जमा, 1500 रुपया जमा कराया, पर सानू नवांशहर तो लड़के दसिया कि मैं 1600 कराया। हुण अगर टोटल करिए 3,32,757 बच्चों 1100 ना तो यह बनते हैं 36,60,32,700। 3,09,433 बच्चों अगर 1500 ना गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 46,41,49,500 रुपए। तो दोनों का टोटल करके बनता है जी 83,01,82,200 रुपए। तो ये मापे जड़े ने हुण वापस मंग रहे ने, पर सरकारां कहिंदियां सी खर्चा कर चुके, हुण वापस किवें करिए? मुकम्मल तैयारियां तो हो गईआं सी, जिवें हुण नवें जिन्हां दे विआह होणे सीगे अप्रैल महीने विच, 30 अप्रैल तो 20 तक लग गया लॉकडाउन, हुण जिवें उह कह रही ने गैसट सद्दणे नहीं, की करिए? असीं तां मुकम्मल तैयारियां कर लईआं सी, टेंट बुक कर लिया सी, पैलेस बुक कर लिया सी, हलवाई बुक कर लिया सी, पर किसी ने खाण नहीं आना, ना किसी ने शगन देना आना, साढ़े घर साडा काम तो धरिया धरा रह गया ना, साढ़े खर्चे तो हो रह गए ना। सो यही दलील दे रही है जी प्रीख्या विभाग भी कि 83,01,82,200 रुपया नहीं बोल सकते क्योंकि असी मुकम्मल तैयारियां कर लिया सी। हुण तुहाडे सुझाव देखदे की है, तुहाडे कमेंट की आते, तुहाडियां टिप्पणियां की आंदियां ने, शाम नूं बैठ के असीं भी पढ़ांगे और कोशिश करांगे
कि तुहाड़ी टिप्पणियों नूं मुख रख के एक नवां एपीसोड बनाईए और तुहाड़े नाल फोन पर भी गलबात की जाए। बने रहना भी वती नवां शहर ने अपने छोटे वीर दिनेश सूरी नूं, तुहाडे अपने भी वती नवां शहर के स्टूडियो तो इजाजत दो, बहुत जल्दी फिर हाजिर होने, सत श्री अकाल, रब रखा।